तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या क्या है, उसका साइज क्या है, वो कैसे काम करता है, हर एक जनरेशन का क्या क्या फीचर है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का टाइप्स कौन कौन सा है और हर एक टाइप का क्या क्या फीचर है और कैसे काम करता है। तो इसमें टाइप ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो आता है टाइप, वो है डिजिटल कंप्यूटर। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में उसका भी चार अलग अलग टाइप्स है। डिजिटल कंप्यूटर का क्या है? चार अलग अलग टाइप है, जिसका सबसे पहला जो टाइप है वो है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीए बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर आता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, तब तक के लिए कितना कंप्यूटर है ये चीज हम जान लेते हैं। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर का जो है वो चार अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसका तीन अलग पार्ट है, जिसको हम लोग फर्स्ट को पीडीए बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर, देन आफ्टर मिनी कंप्यूटर। जो सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट, वो मिनी कंप्यूटर है। देन थर्ड पार्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड फोर्थ पार्ट इज सुपर कंप्यूटर। देन आफ्टर जो सेकेंड टाइप आता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट टाइप का कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, और थर्ड टाइप जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर एक कंप्यूटर को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है डिजिटल कंप्यूटर। देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ 0 एंड 1। बाकी सारे कंप्यूटर जो है वो भी 0 और 1 के बेसिस पे काम करते हैं, बट इसके डेफिनेशन में है तो जान लेते हैं। देन आफ्टर 0 और 1 के बेसिस पे कैसे काम करता है, ये चीज हम बताए हुए हैं पहले ही, सबसे फर्स्ट वीडियो में ही बताए हुए हैं कि 0 और 1 के बेसिस पे कैसे काम करता है। तो अगर आपको इस चीज को जानना हो तो ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ऊपर आई जो बटन है उस पर क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। देन आफ्टर दे एक्सेप्ट द डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट, एंड देन प्रोड्यूस अ डिजायर रिजल्ट। ये डाटा को एक्सेप्ट करता है एज इनपुट, एंड प्रोसेस करता है, देन प्रोड्यूस है डिजायर रिजल्ट, उसके बाद एक डिजायर रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है। ये सारे कंप्यूटर का यही रूल रेगुलेशन है, इसी प्रोसेस पे सारे कंप्यूटर काम करते हैं। अब जो है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का जो है वो भी 4 टाइप है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे 4 टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, उसका भी 3 टाइप है पीडीए, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। फिर डिजिटल कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट मिनी कंप्यूटर, थर्ड पार्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, फोर्थ पार्ट सुपर कंप्यूटर। तो उसी तरह देयर आर 4 टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर को देखते हैं। इसमें क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ये उसका पार्ट है तो उसी का एक टाइप है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग। ये जो है माइक्रो कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर पे काम करता है, लेकिन मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है, लेकिन बहुत सारा इसमें काम एक ही साथ परफॉर्म किया जा सकता है, बहुत सारा टास्क एक साथ परफॉर्म किया जा सकता है, मतलब सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। ऑल्सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पहला जो कंप्यूटर है वो क्या है? डेस्कटॉप है। इट इज मॉडल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, ये एक माइक्रो कंप्यूटर का मॉडल है। इट मे बी प्लेस्ड ऑन डेस्क और टेबल सो दैट इट इज नोन एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसको हम लोग डेस्कटॉप पे, मतलब डेस्क के ऊपर हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं, जिसके कारण से इसका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा है। तो आपका जो भी है कंप्यूटर अभी तत्कालिक, वो आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर आता है, और द कंप्यूटर विच वी यूज इन आवर हाउस इज नोन एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे मैं बताया कि अभी हम लोग अपने घर में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो डेस्क पे यूज किया जाता है, डेस्क के ऊपर रख के उसको यूज किया जाता है, जिसके कारण से इसका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर पड़ा। उसके बाद जो है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जैसा नाम से ही ये डिस्क्राइब हो रहा है कि हम इसको लैप पे, मतलब अपने गोद में लैपटॉप लैप में हम लोग इसको रख सकते हैं, जिसके कारण से इसका नाम लैपटॉप कंप्यूटर पड़ा है। ये भी एक मॉडल है माइक्रो कंप्यूटर का।
इट मे बी केप्ट ऑन लैप सो दैट इट्स नेम इज लैपटॉप कंप्यूटर। इसको हम लोग अपने लैप में या गोद में रख सकते हैं जिसके कारण से इसका नाम लैपटॉप कंप्यूटर पड़ा है। उसके बाद आता है पानटॉप कंप्यूटर। ये जो है पीडीए का एक वर्जन है, पानटॉप कंप्यूटर पीडीए, जिसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोले थे हम लोग अभी देखे थे। इट इज ऑल्सो मॉडल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ये जो है ये भी एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर का मॉडल है। इट इज केप्ट ऑन पाल्म सो दैट इट्स नेम इज पाल्म टॉप कंप्यूटर। ये हम लोग पाल्म पे अपने हथेली पे रख के इसको यूज कर सकते हैं, इसी के कारण से इसका नाम जो है पाल्म टॉप कंप्यूटर रखा गया है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का जो सेकेंड पार्ट है मिनी कंप्यूटर, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। दोस्तों मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये जो है ये डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर का एक ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ये है। इट इज ए मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर सिस्टम। मतलब इसमें बहुत सारे यूजर एक साथ में बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मल्टी यूजर सिस्टम है और मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट को, बहुत सारे काम को एक साथ हम लोग कर सकते हैं इस पे, और बहुत सारे यूजर एक साथ इस पे काम कर सकता है। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 200 यूजर्स एट द सेम टाइम। ये इतना कैपेबल होता है कि 200 यूजर को एक ही टाइम में ये वर्क करा सकता है, और इस पे आराम से 200 यूजर बैठ के 200 यूजर्स बैठ के आराम से एक साथ काम कर सकते हैं। और इट इज यूज फॉर लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है लैन के लिए यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। नेटवर्किंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जान लेंगे लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेंगे। और यहाँ पे ये लोकल एरिया नेटवर्क के बेसिस पे काम करता है। उसके बाद आता है थर्ड जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का थर्ड पार्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये है, इसमें है कि इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ये तो है, ये डिजिटल कंप्यूटर का एक टाइप है। इट इज पावरफुल एंड एक्सपेंसिव एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जो है ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़्यादा बड़ा है, लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा है। इट इज मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 1000 यूजर्स एट ए सेम टाइम। इसके पहले जो हम लोग देखे मिनी कंप्यूटर में, वहाँ पे देखे कि ये एक साथ में जो मिनी कंप्यूटर था वो 200 यूजर को ही सपोर्ट करता था, एक समय में 200 यूजर उस पर काम कर सकते थे। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो एक साथ में थाउजेंड्स ऑफ यूजर को काम करने के लिए कैपेबल है, और ये मल्टी प्रोसेसिंग, जैसा कि मिनी कंप्यूटर है वैसे ये भी मल्टी प्रोसेसिंग है, लेकिन ये साइज में मिनी कंप्यूटर से बड़ा है, लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, और पावरफुल भी है, ज़्यादा पावरफुल भी है। और ये जो है सिस्टम माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये मेनली साइंटिफिक रीजन के लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक रीजन के लिए, रिसर्च के लिए, या फिर उसमें कोई कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिकली कोई कैलकुलेशन के लिए इस कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट जो है वो सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ये है, ये डिजिटल कंप्यूटर का एक टाइप है। इट इज वन पावरफुल एक्सपेंसिव एंड लार्जर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल एक्सपेंसिव या लार्जर कंप्यूटर हम लोग कहेंगे उसमें से ये एक है। सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का पावरफुल एक्सपेंसिव एंड लार्जर कंप्यूटर में से एक है। इट इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन। ये जो है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज में आता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड पार्ट, टाइप ऑफ कंप्यूटर का सेकेंड पार्ट, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये है एनालॉग कंप्यूटर। द एनालॉग कंप्यूटर डील विथ कंटिन्यूअस फिजिकल वेरिएबल। ये जो है कंटिन्यूअस फिजिकल वेरिएबल के साथ डील करता है एनालॉग कंप्यूटर। और उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो द कंप्यूटर कंटेन्स बोथ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर
दोनों का काम एक साथ हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर। अब आगे हम लोग बात करेंगे डिवाइसेस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।